जी तो जो आपके सवाल हैं, जरा बताइए, ताकि क्योंकि रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने, तो जो लेट आएंगे वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे उसकी। तो आप जरा बताइए कि क्या क्या इश्यूज हैं आपके। सर, गर्ल्स की तरफ से मैं क्वेश्चन पहले स्टार्ट करती हूँ। जी। एक गर्ल्स का कुछ क्वेश्चन था कि आप चार कह रहे थे ना कि पहले एचसीआई के पेपर का फोल्डर का और आरएम के जो पेपर्स है उनका फोल्डर, उन दोनों का अलग अलग फोल्डर बना के हमने उनका लिंक शेयर करना है आपके साथ। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारी आरएम की क्लास है, तो इसमें एचसीआई का जिक्र नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिर चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं और आप ही ने शिकायत की थी कि जी चीज़ें जो है मिक्सअप हो रही हैं। ये आरएम का है, और आरएम की जो डेट दी हुई है, शायद मैंने 25 दी हुई है या 26 दी हुई है, शायद आपको याद हो, मेरे इल्म में, मुझे मेरे ख्याल 26 है सर, कितनी 26 है, 26। 26 है, हाँ तो 26 है, तो आपने 26 को इसका अपलोड करना है, ठीक है। और जो एचसीआई की डेट दी हुई, जाहिर है कि वो जब जिस दिन जो डेट उनकी है, वो उस दिन वो अपलोड करेंगे, ठीक है जी। और अभी भी आरएम के अंदर सिर्फ 7 लोगों ने अपलोड किया हुआ है 44 में से, जी बताइए। और क्या सवाल है? सर, एक ये भी था कि हमने ऐसा ही करना है ना, असाइनमेंट ऐसा जो असाइनमेंट है वो एक ग्रुप के चार मेंबर्स की एक ही फाइल होगी शेयर आपके साथ। जी, एक ही फाइल चाहिए होगी। आपने देखा ना, जो दो ओके शीट्स हैं, एक शीट के अंदर चारों के नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो चार हैं, तीन हैं, दो हैं, एक हैं, जो भी हैं, तो वो एक ही उसमें होगी। वो एक ही बंदा फाइल अपलोड करेगा, वो जब उनको मैं डाउनलोड करके इवेल्युएट करूंगा, तो वो खुद ब खुद ही हर एक के अपने अपने मार्क्स लग जाएंगे जो वहां पे। और सर, हर स्टूडेंट लेकिन हर स्टूडेंट अपने अपने ही पेपर्स अपलोड करेगा, एक फोल्डर ड्राइव पे अपलोड करने हाँ के बाद जी वो जी लिंक बिल्कुल आपके ऐसे साथ ही, बिल्कुल व्हाट्सएप ऐसे कर ही देंगे। जी। हाँ, उसमें ऐसा होगा कि जब आप लोग अपने, अब और वो जो तरीका बताया हुआ मैंने किस तरह से सेव करना है आपने, ठीक है, उसमें आपने करना क्या है कि जब आप लोग सेव कर लेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो शेयरिंग का आ जाएगा लिंक, तो आप मेरा ईमेल एड्रेस वहां पे लिख देंगे, तो वो मुझे खुद ब खुद ही वो ईमेल आ जाएगी कि हाँ जी आप लोग इसको, मैं उसको देख सकता हूँ। ओके सर, सर आप अपना ना चैट, इसी चैट में चाहे अपना ईमेल आईडी शेयर कर दें। अच्छा ठीक है, ये और सवाल क्या है? ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। जी जी अच्छा, सर, जी जी सर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि कुछ स्टूडेंट्स को ना अभी तक गूगल क्लासरूम का पासवर्ड वगैरह नहीं मिला, जो कि डॉक्टर शफीक आए थे लास्ट टाइम क्लास के अंदर ना, तो उनको जितने जो स्टूडेंट्स है ना उन उनकी लिस्ट एक बना के ना डॉक्टर शफीक को 3 दिन हो गए सेंड कर दी हुई है, लेकिन अभी तक भी स्टूडेंट्स के जो पासवर्ड्स है ना वो उनको प्रॉपरली रिकवर नहीं मिले या उनके नहीं लग रहे, तो सर उनके लिए बता दें फिर किस चीज का असाइनमेंट का क्या। पासवर्ड, किस चीज का पासवर्ड? सर जीमेल का। अच्छा चले, तो वो तो ज़ाहिर है वो एचओडी सॉल्व करेंगे, मैं ये मसला हल नहीं कर सकता, वो एचओडी ही सॉल्व करेंगे। जिन लोगों के पास अभी ईमेल के इश्यूज आ रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने अब तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, वो एचआर, वो आपके जो सीआर हैं, बॉयज सीआर को भेज देंगे और गर्ल्स जीआर को भेज देंगी, और फिर आप दोनों मुझे ईमेल कर दोगे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, आपका नहीं पाया मैं
सर एक चीज पूछनी थी कि वो तो मुझे समझ आ गया कि एक ही बंदा जो है वो एक फाइल एक्सेल की आपको सेंड करेगा क्लास गूगल क्लास रूम के अंदर ना। सर जो ड्राइव के ऊपर हमने पेपर अपलोड करने हैं वो हर बंदे ने अपने अपने करने हैं, जी, अपने अपने करना है। ठीक है? तो सर वो फोल्डर बना के करने हैं या डायरेक्ट जब आप मतलब फोल्डर बन उसके? जाएगा ना, जब आपका फोल्डर बन जाएगा उसमें पेपर अपलोड कर देंगे उस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया हुआ लेक्चर के अंदर, ठीक है? आप उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और मेरा ईमेल एड्रेस लिख देंगे तो वो आप मसले हल हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। सेव करने का आपने मेथड जो बताया हुआ था, पहले ईयर था और फिर जी कौन जी सा जी पेपर बिल्कुल टाइप ऐसे और ऐसे उसका भी? ऐसे 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 ठीक ऐसे है, ठीक है सर, जी। ठीक है। माहिन तारिक, माहिन तारिक, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने ये सलाम। पूछना था कि जी जी सर सर मैंने ये पूछना था कि जो हम फोल्डर के अंदर ही, मैंने ड्राइव के अंदर ही सारा कुछ ये ऐड किया जैसे आपने गाइड किया हुआ है वैसे ही किया है, लेकिन जब मैं शेयर करने पर आती हूँ ना तो मेरी सिर्फ एक जगह पे शेयरिंग होती है। जैसे कि अब वो बात वही वाली बात आ गई कि मैं HCI की बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मसला एक्चुअली यही वाला आ रहा था क्योंकि हमारा वो तो हमारा HCI वालों का तो वो चीज सेम है ना, तो अगर मुझे दूसरी जगह पे शेयर करनी पड़ती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो नहीं, शेयर नहीं आपने होता मेरा उसकी सिर्फ प्रूफिंग ईमेल एड्रेस लिखना है और तो कुछ भी नहीं लिखना आपने। नहीं। एक्चुअली मैंने क्लासरूम के अंदर शेयर करने की कोशिश की थी, नहीं, क्लासरूम के अंदर आपने फोल्डर शेयर नहीं करना आपने। ठीक है, तो मैंने पूरा वो फोल्डर जैसे शेयर ही, नहीं जैसे ही आप शेयर करेंगी ना, ठीक है, तो जी मुझे जी ईमेल आ जाएगी। ठीक है सर। और सर ये पेपर्स एक फोल्डर के अंदर रख के हमने फोल्डर आपके साथ शेयर करना है ऐसे ही है ना, जी, फोल्डर एक को एक शेयर करना पेपर है। तो जी हाँ, नहीं? नहीं, वो तो फिर आपके बहुत कुछ 15 ईमेल बन जाएंगी मेरे लिए। जी, यही बस कंफर्म करना था। और जो सर एक्सेल शीट है जी, वो आपको गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करनी है, वो तो नहीं ना मेल करनी ड्राइव के नहीं थ्रू? नहीं नहीं वो जैसे ही आप जाएंगे ना क्लास वर्क के ऊपर, तो नीचे मैंने वो जी तस्वीर जी भी भेजी थी, मैंने कि उसको क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि यहाँ पे चीजें अपलोड हाँ कर जी, दें आप। नहीं जी वो हाँ, तो मैंने कर दी हुई है, वो कर दीजिए, बस यही पूछना था। थैंक यू। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। सर ये मैंने पूछा था कि मैंने गूगल क्लासरूम में एडवर्क के अंदर मैंने एक्सेल शीट भी सेंड कर दी थी और मैंने पेपर भी उधर ही आपको लिंक सेंड किया था अपने गूगल ड्राइव का, वहां पर ही कहाँ पे? नहीं, जो एडवर्क आ रहा है ना, असाइनमेंट से क्लिक जब आप करते मेरा हैं नाम लिखेंगे ना, वो खुद उस ब खुद ही मेरे पास आ जाएगा। मैंने एडवर्क पे जाकर सिर्फ लिंक का आपको शेयर किया था कि शायद आपके पास सीधा डायरेक्ट चला जाएगा ऐसे ही। अच्छा, चले मैं देख लेता हूँ। मैं जब आप पेपर डाउनलोड करूंगा आप लोगों तो मैं देख लूंगा उसको। उसमें मैंने जो मेरे ग्रुप के मेंबर थे ना दो, तो मैंने खुद का अपनी ड्राइव के अंदर ही सबके मैंने पेपर सेव किए थे और हाँ लदरा नाम के फोल्डर बना के मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था अपनी ड्राइव का, चले, सही, वो ठीक है, गूगल मैं देख जो लूंगा। एडवर्क है, एडवर्क है मैं उसके थ्रू मेल नहीं किया मैंने। किसके? एडवर्क पे सर जो आ रहा था ना, एडवर्क पे शेयर गूगल ड्राइव लिंक, हाँ। वहां पर मैंने किया है, क्या मैंने क्या मेल नहीं क्या किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी मैं देख लेता हूँ। क्या नाम है नासिर आपका? महमूद, नासिर नासिर महमूद। महमूद। नासिर, एक मिनट है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये मेरे पास काम एक, हाँ जी, इसमें RM का असाइनमेंट शायद, ये क्या है, ये जिप फाइल है ये? RM असाइनमेंट 1 आगे नाम लिखे, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक अलहदा फोल्डर बनाया हुआ अपने नाम का, एक अपने क्लीग के नाम का। जिप फाइल है ना ये? पता नहीं सर मैंने गूगल ड्राइव के अंदर ही फोल्डर ये बनाए पता थे नहीं क्या तीन, किया हुआ, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा मुझे। उसका लिंक मैंने आपको शेयर किया था गूगल ड्राइव का सर वहां पर। समझ आएगी तुम्हें यार। CRGR, मैं एक तस्वीर भेज रहा हूँ, तो जरा GR नासिर को भेज दो ये वाली तस्वीर। जी सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर जो फोल्डर गूगल ड्राइव पे हम बनाएंगे वो हम अपने टाइटल जो हमारा होगा उसका नाम लिखें या अपने रोल नंबर से फोल्डर बनाएं अपने नाम?
वो रोल नंबर के हिसाब से, ठीक है सर। बल्कि एक्सेल की फाइल का नाम भी आपने रोल नंबर के हिसाब से रखना है। ये देखो एक तस्वीर भेजी है मैंने आज शाम, ये जरा भेजो जी रास्ते सर, पर जरा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। जी, और बताइए। सर ये एक्सेल की फाइल का नाम कैसे सेव करना है हमने? ये आपने जैसे है ना, फर्ज कर लें रोल नंबर 027031 और 041 है, ये लिख के आपने फाइल अपलोड करनी है। सिर्फ रोल नंबर्स लिखने हैं जितने भी हैं मेंबर्स, हाँ, तीनों के यहाँ रोल नंबर लिखना है। बस ठीक है। या थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, वो काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। जी, हमारा ग्रुप है 4 मेंबर्स का, ठीक हमने है। एक एक्सेल शीट बना ली जो आपने फॉर्मेट सेंड किया, उसमें हमने अपने अपने पेपर लिख लिए सिक्वेंस वाइज, ठीक पंद्रह है। पंद्रह पेपर सब ने लिख लिए। अब सुबह आपने एक फुरकान की शीट, एक्सेल शीट हमारे साथ शेयर की थी, उसमें ठीक एक है, सब शीट बनाई थी। ठीक है। उस सब शीट में हमने 4 सब शीट बनानी है अलग अलग से उसी शीट के अच्छा, अंदर। हाँ, उसमें ये था, क्योंकि कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब 4 लोगों का या 3 लोगों का एक ही टॉपिक है, तो वो आगे जाके जाहिर है कि जब हो सकता है पेपर एक जैसे मिल जाए, तो हम कैसे काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आप भी ऐसा खुद ब खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने जब जो इसकी नेक्स्ट जो वीक हमारी क्लास होगी, इसके बाद तो आज हमारी क्लास हो रही है, उसमें आपने मुझे बताना है कि आपने कौन सा टॉपिक चूज किया है उन 15 पेपर में से। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अपने 15 पेपर लीजिए, ठीक है, और उसी तरह जिस तरह मैंने कलर किया है उस तरह कलर कीजिए, और उसी तरह ही नंबर लिख लीजिए आप 1 से लेके 15 तक, और फिर इसको इंडेक्स कर लें आप। अल्फाबेटिकल आ जाएंगे जब, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ है, उन कीवर्ड्स का पेपर फिर आपने एक तरफ कर लेने हैं। जी मोहम्मद फराज, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने पूछना है कि अगर सारे पेपर जो हैं वो 2021 के हो जाएं और जर्नल हो जाएं तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा? इससे तो बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती, जी। सबसे बेहतर चीज हो गई और है, सबसे बेहतर चीज हो गई है। जी सर, और सर किसी पेपर्स के ऑथर्स 2 से ज्यादा भी हैं तो वो मैं कह रहा हूँ जी ऑथर्स में 50 हो दो जाए, से उससे ज्यादा उससे मेरी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो हाँ, उतने ही लिखते हैं, जितने हैं वो उतने नाम उससे लिखते कोई हैं। फर्क नहीं पड़ता उसका। जी ठीक जी सर, थैंक यू सो मच सर। है जी। निदा फातिमा, सर अभी आपने बात की है ना कि हम पहले उन जो हमारे कीवर्ड्स होंगे उसको हम कलर कर लेंगे, देन आगे वो उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी कर, इससे हमारी आगे जाके आसानी होगी। और जो आपने तीसरी बात की है ना कि उसको उनमें से जो सबसे ज्यादा कीवर्ड यूज हुआ है उसको हम उसके उसके नाम पे पता चल जाएगा ये सबसे ज्यादा कीवर्ड यूज हुआ है और ये इसके पे ही सर्च करेंगे। देन अगर तीसरी बात आपने ये की है, कौन सी की थी आपने सर, भूल गई है तीसरी बात। तीसरी बात ये थी कि जो ज्यादा दफा कीवर्ड आया हुआ है उसके पेपर आपने अपने एक तरफ कर लेने हैं। और सर ये वाला जो काम है जो एक तरफ करने वाला, ये भी हमने एक्सेल शीट के अंदर ही करना है, नहीं, अभी कुछ मतलब नहीं कि करना। असाइनमेंट के ये तौर पे हम जब आपको। जब हमारी क्लास होगी ना अगले हफ्ते, ये अभी जो 26 को क्लास हो रही है, इसके बाद वाली जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर आपने बताना है कि जी मेरा टॉपिक ये वाला हो गया है। ओके, हाँ, मतलब कि हमने एक ही फाइल में 4 ग्रुप मेंबर्स के पेपर्स होंगे, नेम वगैरह कीवर्ड जी वगैरह जी वो सारा कुछ, जी जी देन जी जी आगे दूसरे दूसरे के अंदर हम अपने मतलब सिर्फ मैं अपने पेपर्स के लिए लिख के आप अपने उनको आप हाईलाइट करूंगी देखे ना, या अगर सबके पेपर आपके लिख के वो आपके ग्रुप में स्टूडेंट कितने लोग कितने मेंबर्स। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं। 4 ठीक है जी, चारों मेंबर जो हैं ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने फुरकान के लिए किया है। ठीक है, उस तरह उनको मालूम हो जाएगा कि उनका असल में टॉपिक क्या है। ओके सर, और सबकी एक ही फाइल होगी। वो आपकी मर्जी है, वो एक फाइल डाले, दो फाइल डाले, कोई मर्जी, कोई इशू कोई नहीं इसका। ठीक है, अच्छा जी। ओके सर, और थैंक यू। हाँ, उमर वली बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने काफ़ी मतलब क्लियर हो गया आपके जो दो सेशन लिए, इससे मेरी बात काफ़ी क्लियर हो गई है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें सर कोई ऐसा आप मतलब सैंपल पेपर जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपके जो कर चुके हैं, यानी रोड मैप अगर हमें मिल जाए तो हमें आसानी हो जाए करने में अपना काम। किस चीज़ का रोड मैप सर? ये जो रिव्यू मतलब पेपर के बारे में जो अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हमने रिसर्च पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब मुकम्मल एक हमें एक मिल जाए ना सर। मैं हर चीज जो है ना जब वक्त आने पे बताई जाएगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अभी सिर्फ 15 पेपर को आपने कॉपी पेस्ट करना था, उसके बावजूद ये सेकंड सेशन चल रहा है। तो अगर मैं सारा कुछ बता दूंगा तो वो तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। तो उससे इसलिए मैं आपको हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जी सर, बेहतर, थैंक यू सर। सर इस संडे को हमारी आरएम की क्लास होगी ऑनलाइन? हाँ, अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे हम ऑनलाइन क्लास, ठीक है? उसमें आपको याद है कि हमने जो पढ़ रहे थे हाउ टू रीड अ पेपर, उसका जो सेकंड पार्ट था वो रह गया था, तो वो हम कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी स्केड्यूल में तो है ऑनलाइन क्लास, लेकिन फिर आरएम के दो सेक्शंस भी हो गए थे ना, तो वो अभी उनकी भी कंफर्मेशन नहीं आई। नहीं, वो कंफर्म हो गए, वो कंफर्म हो गए। अब चूंकि ये ऑनलाइन क्लास हो रही है तो दोनों सेक्शन एक ही दफा में बैठेंगे आगे, ठीक है? ठीक है, दोनों सेशन एक ही दफा आएंगे। लेकिन जो उसके बाद 26 के बाद क्या 25 तारीख के 26 के बाद जो आएंगे क्या कहना चाहिए इसको, सैटरडे आएगा, तो उसमें जो है आपकी क्लास जो है वो अलग हो जाएगी। और मैंने शायद बताया भी था सीओ को, मैं कहा तकरीबन 50-50 क्लास हो चुकी है, यानी कि जो यकम जनवरी को क्लास होगी हमारी आरएम की, वो एक सेक्शन की होगी और दूसरे सेक्शन की संडे को होगी, ठीक है? और सर वो दूसरे कोर्स का पूछना था, लेकिन आप फिर वो जब बता दें, जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मैं फिर पूछ लूंगी। चलें, सही, ठीक ठीक। जी और कोई सवाल? हमारे पास तकरीबन 7 मिनट रह गए, ठीक है? तो अगर कोई और सवाल नहीं, जी बोले जी सर। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था जो आपने फुरकान वाली हमें शीट दी थी, तो अगर अभी वो कलर वाला सिस्टम जो अगर हम ना कर पाए, मतलब कंफ्यूजन हो जाए किसी किस्म की, तो वो अभी चल सकता है काम इस तरह ही? वो देखें, आपने जो अपलोड करनी है वो बगैर कलर के करनी है, ठीक हो गया सर? वो आपने सिर्फ पहला पहली शीट नाम वाली है और दूसरे में वो लिंक्स हैं, पेपर डिटेल्स हैं असाइनमेंट्स की ना, पेपर्स की, ठीक है? जो फुरकान वाला काम है वो इसके बाद वाला काम है, ठीक है सर। और वो मुझे नहीं चाहिए, ये भी आपको बता दूं मैं, वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कि जी आपको पेपर ये देखने के लिए कि 15 पेपर में से मैंने कौन कौन से कॉमन कीवर्ड्स हैं वो पेपर निकालने हैं आपने, ठीक है सर। बाकी जो है वो जब हमारी क्लास होगी संडे वाले दिन, तो मैं उसमें और मजीद क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, हम इसी बात को लेके कंफ्यूज हो गए थे कि आपने ये काम और दिया है, मतलब नहीं, क्या नहीं, था? नहीं, कि नहीं, काम वही है लेकिन हमने कलरिंग करनी है। नहीं नहीं नहीं, और वो कलरिंग में इतना मुश्किल नहीं है, वो हम का बिलावज लंबा कर रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है काम वो। जी ये फराज, सर ये अगर कुछ पेपर्स डाउनलोड किए हैं उसमें 2-3 पेजेस हो जाएं, 2 पेजेस हो जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, क्योंकि इस सारी एक्सरसाइज का जो असल मकसद है वो ये है कि आपके पास 15 में से कुछ पेपर ऐसे आ जाएं जिसका सब टॉपिक एक जैसा ही हो, फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। जी और कोई है सवाल? अगर कोई और सवाल नहीं है, हमारे पास चूंकि 5 मिनट रह गए, तो कोई कह रहा था कि जी कोई मुझे और भी सवाल करना है किसी और सब्जेक्ट का, तो वो भी वो कर लें जरा। सर ये HCI का मैंने पूछना था कि जो अब अगला हमारा प्रोजेक्ट है जो 1 जैन को सबमिट करवाना है, उसका थर्ड पार्ट रह गया, तो थर्ड पार्ट का फिर हम क्या करेंगे?
जी आप उसको घबराना नहीं चाहिए आपको, हमारी इसकी क्लास होगी संडे वाले दिन, ठीक है? तो उसमें चूंकि उसके 10 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है? और 5 पॉइंट जो हैं वो आपको जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम करेंगे, जब फर्स्ट तारीख कमिंग संडे है। जी 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 कमिंग संडे है, हाँ इसमें पढ़ लेंगे हम, क्योंकि क्लास तो हमारी सैटरडे होती है, लेकिन जाहिर है कि हम इसको फिर भी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? ताकि हमारी वो ना हो जाए। और जब यकम को हमारी क्लास होगी तो जिस वक्त लेक्चर खत्म होगा उसी वक्त आपका असाइनमेंट 1 जो है मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन उसका क्लिप बनाने के लिए मैं आपको 3-4 दिन दूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि उसकी आप पावर पॉइंट बनाना शुरू कर दे जल्दी से, ठीक है? तो सर उसमें आपने लिखा के नोट्स भी बनाए, तो सर अगर किसी को नोट्स की जरूरत नहीं है तो वो ना बनाए? अच्छा, नोट्स की मैंने इसलिए लिखा था कि ताकि आपको याद रहे कि इस स्लाइड के ऊपर आपने क्या कहना है, वो सिर्फ आपकी उसके लिए था, हेल्प के लिए था, वरना और कोई जरूरी नहीं है, अगर लिखे ना लिखे आपके ऊपर है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से क्लिप बनाया, मैं आप शेयर किया हुआ, और वो पूरा फोल्डर मैंने शेयर किया हुआ है कि जिसमें उन लोगों ने जो आपसे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से काम किया हुआ, ठीक है जी? नूरुल सबा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने ये पूछना था कि जो हमारा हमने पेपर डाउनलोड किए हैं उसमें कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें जे और सी नहीं लिखा हुआ, जनरल और कॉन्फ्रेंस नहीं लिखा हुआ, फिर उसमें हम क्या मेंशन करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं हिंट जरूर दिया होता है वो, और अगर नहीं भी दिया हुआ तो उसको आप खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, और सर एक चीज और पूछनी थी कि हमारी क्लास सैटरडे को और संडे को, मतलब दो ग्रुप्स होने हैं, जी जी, तो लाइक मैंने अगर संडे किया है कंसीडर, संडे बैकरी किया है, तो क्या मैं कभी सैटरडे को भी ले सकती हूँ क्लास? हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, जब अटेंडेंस होगी तो बता अपने नाम क्या लिख दीजिएगा, ठीक है? वो इशू कोई नहीं है, वो इशू कोई नहीं। जी निदा फातिमा सर, एचसीआई के स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन था कि जो एचसीआई का फोल्डर, हेलो सॉरी सर, मैं ये पूछ रही थी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था एचसीआई के बारे में कि एचसीआई के जो पेपर्स हैं उनका फोल्डर अलग, और आरएम के जो पेपर्स का फोल्डर, उन दोनों का अलग अलग लिंक आपके साथ शेयर करना है? एक कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें फिर जब आप शेयर करेंगे ना, फोल्डर का नाम लिखें आरएम प्लस एचसीआई। ओके सर, सर और आरएम और एचसीआई के दोनों की असाइनमेंट सेम है, तो फिर वो एक ही असाइनमेंट आपको इस रिटर्न करवाना? मेरा ख्याल है कि ये मैं पहली मार्क्स तो अलग-अलग सब्जेक्ट, ये मैं पहले लेक्चर से कहता आ रहा हूं आप लोगों से कि आरएम के अंदर आप जो भी सबमिट कराना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्टिव का है कोर का, वो सबमिट करा सकते हैं। आरएम के अंदर मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ आपको, ठीक है? तो जो आरएम के अंदर आप जमा करा रहे हैं, अगर आप चाहें एचसीआई के अंदर तो जमा करा सकते हैं, वो भी इशू नहीं है, लेकिन जब मार्किंग होगी तो वो अपने अपने स्टाइल से मार्किंग होगी। एचसीआई के अंदर उसकी डेप्थ देखी जाएगी कितनी है, और आरएम के अंदर आरएम का जो स्टाइल है उसको सामने रखते हुए मार्किंग की जाएगी। और सर अगर देखें आपने एचसीआई की असाइनमेंट अपलोड की है ना गूगल क्लासरूम में, और इसी तरह आरएम की भी की है, इसी तरह दोनों की आई थिंक हम अलग अलग ही अपलोड करेंगे ना? जी अलग अलग अपलोड, अलग अलग अपलोड गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट। हाँ जी जी, अपलोड मार्क्स अलग अलग ही लगने हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये रब्ता किसी वक्त भी छूट सकता है, आप मुझे बता दें, मैं दोबारा लॉग इन हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना? ताकि अगर कोई सवाल रह गया तो, अगर नहीं रहा तो मुझे जल्दी से बता दें आप। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना मेल आईडी भेज दीजिएगा। मैंने इसको सीआरजीआर किसी को एक को भेजा है मैंने कुछ देर पहले, मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, फिर भी पूछ रहे हैं लोग, फिर भी लोग पूछ रहे हैं। नहीं वो मैंने अभी व्हाट्सएप नहीं देखा ना। अच्छा, ठीक है। और आरएम का कोड भी, क्लास कोड भी मैंने दे दिया है।